जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर जिस तरह का माहौल चल रहा है, दुनिया के अंदर जो परिस्थिति चल रही है, हाल ही में जिस तरह की आप घटनाओं को देख रहे हैं, राहुल गांधी संसद के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, या एक सत्संग के अंदर भगदड़ मस्ती है और लगभग 120 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, ये ऐसी ऐसी घटनाएँ हैं जो कहीं ना कहीं हमें अंदर तक झंझोड़ देती है कि आखिर इस दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। दर्शकों, यदि इस बात की सच्चाई को हम समझना चाहें कि वर्तमान का समय कैसा चल रहा है और अब तक की ये जो हमारी यात्रा है ये किस दिशा में जा रही है और आगे क्या होने वाला है, धर्मयुग में हम कैसे प्रवेश करेंगे, वो कौन से प्रमाणित सूत्र हैं जो हमें धर्मयुग में प्रवेश कराएंगे, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दर्शकों, जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे साथ एक ऊर्जाओं का संसार भी जुड़ा होता है जो हमें किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित जरूर करता है। ऐसे में जितने भी लोग इस धरती पर पैदा होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास तो जरूर होता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म को फॉलो करें। ऐसा एक भी धर्म इस संसार में नहीं है जो ये कहे कि ईश्वरीय शक्ति होती ही नहीं है। चाहे कोई प्रकृति को माने, चाहे भगवान को माने, चाहे अल्लाह को माने, चाहे जीसस क्राइस्ट को माने। ऐसे में आखिर वो कौन सा रास्ता है जो हम सबको एक जगह पर लेकर जाता है, चाहे हमने रास्ता कोई भी क्यों ना अपनाया हो, लेकिन मंजिल हमारी सबकी एक ही होती है, लेकिन फिर भी हम रास्तों को लेकर के इतने भयभीत, चिंतित, परेशान या इतने ज्यादा नकारात्मक क्यों होते हैं। दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, सात तरह की ऊर्जाएं इस संसार में काम करती हैं। सात तरह की ऊर्जाएं इन नौ आयामों में व्याप्त है। इन नौ आयामों के अंदर से कोई भी इंसान किसी एक आयाम के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी को लेकर के बैठा है। ऐसे में जिस आयाम की एनर्जी उसके पास है वो उसी एनर्जी के दायरे में रह करके ही चीजों को देखता है, सोचता है और समझता है। जैसे सूर्य की एनर्जी यानी कि धरती का पहला तत्व, वो एक सूर्य, उसकी एनर्जी को जो लोग लेंगे उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग या मोक्ष का मार्ग या सर्वोत्तम मार्ग जो लगेगा वो लगेगा ध्यान और साधना। उन्हें लगेगा कि इसी तत्व को जागृत करने पर हमारी मुक्ति संभव है, इसीलिए वो लोग ध्यान, तप, साधना इसकी ओर अग्रसर होते हैं और इसी मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरे आयाम के अंदर विचरण करते हैं या वो ऊर्जा उनके अंदर अत्यधिक होती है, तो वो होती है हमारी चंद्रमा अर्थात मन की। तो उन लोगों को संगीत, संकीर्तन, भजन, इनके अंदर आनंद आता है और वो इनको श्रवण करके आनंदित होते हैं और उन्हें यही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग लगता है। तीसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं मंगल प्रधान, यानी कि जिनके अंदर थर्ड एलिमेंट उस तरह की ऊर्जा ज्यादा होती है, तो वो लोग तीर्थ यात्राओं पर जाना, शारीरिक श्रम के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करना यानी कि कठोर साधना और किसी तरह के ऐसे योग को करना जिससे हम शारीरिक दक्षता को प्रदर्शित करते हों, ऐसा मार्ग उनको आकर्षित करता है। चौथे तत्व के अंदर बुद्ध का तत्व भी आता है और चौथे आयाम के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा हर चीज को जानने समझने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पर जो ये हमारे जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, पक्षी होते हैं, इनसे बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि जीवों के ऊपर दया करना या जीवों का संरक्षण करना यही सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति की रक्षा यही सबसे बड़ा धर्म है, तो उन्हें ये मार्ग श्रेष्ठ लगता है। कुछ लोग होते हैं जो पांचवें चरण के अंदर यानी पांचवें आयाम के अंदर विचरण करते हैं जहां बृहस्पति का तत्व है और यहां जो लोग होते हैं उन्हें शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है, शास्त्रों में निहित ज्ञान ही उन्हें सबसे श्रेष्ठ लगता है और वही उन्हें मुक्ति का मार्ग भी लगता है। लेकिन छठे आयाम में जो लोग होते हैं वो शुक्र तत्व से संबंधित होते हैं और वो लोग इस संसार के अंदर जितनी भी सौंदर्य है, जितनी भी चीजें हैं, उनका सही उपभोग करके परमात्मा की दिव्य सौगात को वो श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन में शामिल करते हैं और उन्हें लगता है कि यही जीवन जो जिया है हमने, सभी स्थितियों को हमने देखा है, समझा है, सभी संसाधनों का हमने अच्छी तरह से भोग किया है, यही सर्वश्रेष्ठ है और यही मुक्ति का मार्ग है, तो
तो यहां छठा तत्व उनका सक्रिय रहता है। सातवें तत्व के अंदर शनि आते हैं और सातवें आयाम के अंदर जो लोग होते हैं वो दुनिया की भलाई की बात करते हैं। दुनिया में किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ है तो उसको हम क्या सहारा दे सकते हैं, क्या उनकी मदद कर सकते हैं। दीन दुखी गरीबों की मदद करना, यही उनको अपना सेवा धर्म लगता है। और ये सातवें तत्व के अंदर जो लोग विचरण करते हैं उन्हें यही मुक्ति का मार्ग लगता है। आठवें के अंदर राहु की ऊर्जा आती है और इस आठवें तत्व के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि संसार पूरा का पूरा भ्रम है, जो कुछ है हम हैं और हमें ही अपने द्वारा उन सभी चीजों को समझना है जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वो नए संसाधन या नए मार्ग खोजते हैं और नए संसाधनों नए मार्गों के द्वारा भी वो अपने आप को इस संसार से बाहर ले जाने का यानी कि मोक्ष के प्राप्ति का साधन ढूंढते हैं। ये आठवें आयाम के लोग होते हैं जो किसी कायदे कानून को नहीं मानते हैं, केवल और केवल अपने द्वारा निष्पादित जो उनके अपने पैरामीटर होते हैं वो उसी के आधार पर इस संसार को देखते हैं। और नवे आयाम में जो लोग विचरण करते हैं, जो ऊर्जा उनके पास होती है, वो लोग संसार के अंदर मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, परमार्थ की बात करते हैं। इस संसार उन्हें मिथ्या लगता है और इस संसार की जगत की सारी माया उन्हें बेकार लगती है। उन्हें लगता है कि मोक्ष ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और इन सब चीजों का त्याग करके परमात्मा के मार्ग पर यदि चला जाए तो इससे अच्छा मार्ग कुछ और हो नहीं सकता। इसी तरह से दर्शकों, ये नौ की नौ एनर्जीज अपने तरीके से काम करती हैं और हर व्यक्ति इनमें से किसी एक एनर्जी के प्रभाव में आकर के काम करता है। तो क्या ये सब कुछ गलत है या ये सब कुछ सही है? अगर सही है तो फिर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों से भिन्नता क्यों रखता है? इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। दर्शकों, ये ब्रह्मांड की नौ आयामों के अंदर व्याप्त सात ऊर्जाएं इसी तरह से काम करती हैं। इसीलिए इन सब का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक मार्ग से केवल हम उस मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जो हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। इसको यदि मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो इसको ऐसे समझिए, भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन क्या केवल एक ही तरह का भोजन आपके शरीर के लिए आवश्यक है? अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप एक ही तरह का भोजन करना शुरू करें, यानी केवल और केवल हरी सब्जी खाएं और कुछ ना खाएं, तो क्या आपका शरीर उन सभी ऊर्जाओं को ले पाएगा जिसकी शरीर को आवश्यकता है? या मैं कहूं आपसे केवल पानी ही पिए आप, बाकी कुछ ना ले, तो क्या संभव है? हमें अपने भोजन के अंदर अन्न भी चाहिए, फल भी चाहिए, दालें भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, कुछ मेवे भी चाहिए, यानी विटामिन, कैलोरी, हर तरह की चीज जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो हमें अपने भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तभी ये हमारा शरीर सही तरह से काम करता है। उसी तरह से संसार के अंदर भी नौ ऊर्जाओं को हम लेकर के आए हैं और इन नौ ऊर्जाओं का संतुलित रूप ही हमें उस मार्ग की ओर प्रेरित करता है जहां श्रेष्ठता है, जहां संपूर्णता है, जहां मुक्ति है। इसीलिए किसी एक मार्ग का चयन करने से हम उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते जिस मंजिल तक जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। दर्शकों, इसी बात को मैं अगर आपसे दूसरे तरह से कहूं तो आप ऐसे समझिए, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के अंदर आप अपने शरीर को किन किन परिस्थितियों से गुजारते हैं? रात्रि में आपके लिए निंद्रा आवश्यक है, सुबह उठकर के आप योग अभ्यास करते हैं, दोपहर का समय आपको अलग तरह की ऊर्जा देता है, शाम का समय आपको अलग तरह की ऊर्जा देता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक भी आपको अलग अलग तरह की एनर्जी चाहिए, तब जाकर के आपका दिन संतुलित होता है। यदि आपको कहा जाए कि 24 घंटे केवल आप सोएंगे तो आप वो भी नहीं कर सकते, आपको कहा जाए आपको केवल जागना है आप वो भी नहीं कर सकते, आपको 24 घंटे तपती धूप के अंदर रख दिया जाए, बैठा दिया जाए, आप वो भी सहन नहीं कर सकते, और आपको यदि 24 घंटे ठंडे माहौल में रख दिया जाए तो भी आप उसे सहन नहीं कर सकते। यानी इस शरीर को भी इन नौ आयामों में व्याप्त ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है जो 24 घंटे के अंदर इस शरीर को मिलती है। तो ऊर्जाओं के लेवल पर भी आप अलग अलग ऊर्जाएं पूरे 24 घंटे में लेते हैं, भोजन के द्वारा जो आपको ऊर्जा मिलती है वहां भी आप अलग अलग तरीके से इन ऊर्जाओं को लेते हैं, और यही चीज हमारे पारिवारिक जीवन में भी होता है, जहां हम पिता का रोल भी निभाते हैं, पुत्र का भी रोल निभाते हैं, पति या पत्नी का भी रोल निभाते हैं, भाई बहन का भी रोल निभाते हैं, पड़ोसी का भी रोल निभाते हैं, हर तरह का रोल हम एक ही शरीर के अंदर रह करके निभाते हैं, और कितने साधारण तरीके से हम इस रोल को निभा लेते हैं, हमने कभी इस पर गौर नहीं किया।
कि आपको तकलीफ होती है कि अरे मैं तो केवल पिता के रोल में रहना चाहता हूँ, मैं पुत्र के रोल में नहीं रहूंगा, मैं पति या पत्नी के रोल में रहना चाहता हूँ, मैं बाकी रोल में नहीं रहूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हर रोल निभाना होता है और आप बहुत अच्छी तरह से रोल निभाते हैं। इसीलिए इस ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं का विस्तार हर जगह पर है, हमारे रिश्ते में भी है, हमारे भोजन में भी है, हमारे साथ में हमारे विचारों के अंदर भी है, हर जगह पर इनका विस्तार है। इसीलिए इनका राइट कॉम्बिनेशन ही आपको जिंदगी का सही मार्ग देता है। इसीलिए इन सारे रहस्यों को समझने के लिए अगर इस समय पर इस धरती पर कोई चीज है तो वो केवल और केवल गीता है। गीता के अंदर निहित वो तत्व ज्ञान ही आपकी आंखें खोलने में सक्षम है और आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जीवन के अंदर आपका दृष्टिकोण होना क्या चाहिए। दर्शकों, गीता कभी भी केवल पढ़ने के लिए नहीं है और ना ही उसको समझने के लिए है। पढ़कर समझकर उसको प्रायोगिक तौर पर अपने जीवन के अंदर उन रहस्यों को समझकर उन रहस्यों को शामिल करना, ये गीता का सार है। तभी आप देखेंगे कि 45 मिनट के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जैसे अर्जुन के अंदर एक ऊर्जा का संचार कर देता है, ठीक उसी तरह से अगर इस गीता का भी सही अर्थ आपको समझ आ गया, अर्थ तो खैर आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं, लेकिन इस गीता का जो मर्म है यदि वो आपके भीतर उतर गया, तत्व ज्ञान आपको समझ आ गया, तो आप भी 45 मिनट के अंदर उस अर्जुन की भांति अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ये गीता की ताकत है। लेकिन विडंबना यह है कि इस गीता के सही रहस्य को कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इस रहस्य को, इस ज्ञान को आपके भीतर उतार पाते हैं, यह देखना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जब धर्म युग में हम प्रवेश करेंगे तो हमें इस धरती पर निहित हर उस सत्य से हमको सामना करना पड़ेगा, हमारा सामना होगा और हमें सत्य और असत्य में से किसी एक चीज को चुनना होगा, क्योंकि इसके बिना ये रास्ता पूरा नहीं हो सकता, ये मंजिल हमें मिल नहीं सकती। इसीलिए सही मार्ग क्या है, सही कॉम्बिनेशन क्या है जीवन का और सही वास्तविक अर्थ क्या है जीवन का, इसको समझना आवश्यक है। और ये सब कुछ आपको जिस जगह समझने को मिलेगा वो गीता है और इस ज्ञान को ही सनातन ज्ञान कहते हैं। मिलेंगे दर्शकों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।